ऊंचे ऊंचे आलाप कैसे गाएं, ऊंची गायकी कैसे करें, ऊंचे वाले गाने कैसे गाएं, जो स्वर तार सप्तक में होते हैं उनकी गायकी कैसे करें, और हाई नोट्स वाला जो रियाज है वो क्या है, इस पर मैं पहले भी बहुत वीडियोस बना चुका हूं और एक लिस्ट प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगा, जिसको अगर आप देखते हैं तो वहां सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसी टॉपिक पर जो इसके आसपास कवर होते हैं। पर आज इस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं, एक टेक्निक आपको बताऊंगा जिससे कि ऊंचे गाने गाने में, ऊंचे स्वरों को लगाने में आपको आसानी होगी। पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि ऊंचे गाने किस तरह से गाए जाते हैं। कोमल गंधार, योर रियाज पार्टनर। रागें सीखनी हो, पियानो गुरु का इस्तेमाल करना हो, स्वयं रियाज करना हो, थाटों का रियाज करना हो, अलंकारों का, पलटों का, हर प्रकार का रियाज इसमें अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड कीजिए कोमल गंधार। नंदलाला बांसुरी वाला सुन ले पुकार, एक कृष्ण भजन, श्री कृष्ण भजन आपने अभी अभी जो हरिजा पांडे की आवाज़ में सुना, मेरी सिस्टर हैं और बखूब उन्होंने अपनी मधुर आवाज़ में आपको ये सुनाया। ये मेरे पिताजी, मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी द्वारा लिखा गया एक भजन है, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है। बहुत सालों पहले 2004-05 में कैसेट उन्होंने लॉन्च करी थी, राधे राधे कृष्णा राधे राधे, उसमें ये भजन उन्होंने इंक्लूड किया था, जो किसी और फलां सिंगर ने गाया था, उन्हीं के किसी स्टूडेंट ने। इसे मैंने भी दोबारा गाया है पूरी टीम के साथ, उसे भी आप ज़रूर सुनिएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं उसी टॉपिक पर कि ऊंचे गाने कैसे गाने हैं, ऊंची गायकी कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको रेंज का रियाज आपको समझाता हूं, लेकिन सबसे पहले, उससे भी पहले मैं आपको रेंज का मतलब समझाता हूं। लोग कहते हैं कि इसकी रेंज बहुत अच्छी है, वॉइस रेंज बहुत अच्छी है। जब लोग वॉइस रेंज सुनते हैं ना, तो वो इन जनरल ऐसा मान लेते हैं कि ये ऊंचा बड़ा अच्छा गाता होगा, है ना। या फिर हम जब सुनते हैं कि यार ये गाड़ी बड़ी स्पीड में चल रही है, या ये पंखा बहुत स्पीड में चल रहा है, तो हम स्पीड का मतलब ये समझ लेते हैं कि बहुत तेज़ गति में जा रहा है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि गति के तीन प्रकार होते हैं, धीमा, मध्य और तेज़, है ना। और उसी प्रकार से रेंज में भी तीन होता है, है ना, या तीन कहें या फिर यूं कहूँ रेंज में, तो हम दो ही मानेंगे कि या तो ऊंचा या नीचा। जब उन दोनों को माना जाता है तब रेंज माना जाता है, और रेंज के आगे आपको कोई एक फ्रीक्वेंसी लगानी पड़ेगी कि वो ऊंची रेंज, यानी उसकी हाई रेंज अच्छी है या उसकी लो रेंज अच्छी है, दोनों चीज़ें होती हैं। और यही आपकी स्पीड में भी होता है कि वो फास्ट स्पीड है कि स्लो स्पीड है या मीडियम स्पीड है। सिर्फ स्पीड बोल देने से ये नहीं हो जाता है कि मतलब तेज़, है ना, ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा। अब आते हैं दूसरी बात पर, रेंज का रियाज कैसे होता है। जब मैं कह रहा हूँ रेंज का रियाज, तब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऊंचे स्वरों का रियाज या नीचे स्वरों का रियाज, मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, आपके पूरे डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, कि गला ऊंचा भी उतना ही चले, नीचे भी उतना ही चले, और मजबूती जो है उतनी ही रहे। ऐसा नहीं कि आपका खरज तो मजबूत है, मंद्र जो सप्तक है वो तो मजबूत है लेकिन ऊंचा नहीं जा पाते, या ऊंचा मजबूत है तो नीचा नहीं जा पाते, ये नहीं होना चाहिए। तो ये आप समझ गए कि बैलेंस होना चाहिए, पहली चीज़ थी कि रेंज का मतलब क्या होता है, दूसरी चीज़ थी कि बैलेंस होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो रियाज एक ही है जिसको आपको करना होता है, उसी से आपके ऊंचे भी सधेंगे, नीचे भी सधेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खर्च का रियाज नहीं करना है आपको, है ना, मैं कौन होता हूँ ये बताने वाला क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं बस आपको उसके फ़ायदे नुकसान बताऊँगा, नफ़ा नुकसान बताऊँगा, आपको उसका क्या यूज़ करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेंज का रियाज क्या है। सबसे पहले आपको लगाना है अपने सुर के अनुसार, अपने स्केल के अनुसार सा, ठीक है। ये मैंने पहली काली का अभी लगाया हुआ है, जब आप मॉर्निंग में, और ये रियाज मॉर्निंग का है, पहले आपको बता देता हूँ, आपको सवेरे उठकर ये रियाज करना होगा, और एक एक सुर जब लंबा लंबा लगता है तब जाके वो सुर सधता है। सबसे पहला तो आपको ये मद्देनज़र रखनी है, ध्यान में रखनी है बात, जब भी आप रियाज करते हैं स्वरों का, कि स्वरों का रियाज हमेशा लंबे लंबे स्वरों का ही होता है। धीरे धीरे उसमें गति बढ़ानी होती है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बस लंबे लंबे करो तो हरकतें भी आ जाएंगी, ऐसा नहीं है, उस लय को भी करना होता है, लेकिन स्वर साधने के लिए लंबे लंबे स्वर लगाने होंगे। सबसे पहले आपने लगाया सा, सा, जितना लंबा हो सके, जितनी आपकी सांस है और जहां तक आप सुर को स्टेबल रख सकते हैं, जहां तक ये कंपन न पैदा ना हो जाए, वहां तक ले जाइए, सा लंबा लगाइए, फिर एक स्वर आप खर्ज में उतरिए, इसको भी पूरा लगाना है, फिर से सा पे आइए,
जब ये लंबा पूरा लग जाए तो कोमल ऋषभ लगाइए। रे, पूरा लंबा जितनी आपकी सांस जा सकती है। और ये जब आप सवेरे में करेंगे तो इससे पहले जाहिर बात है आपने ओम लगाया है, सा लगाया है, कम से कम आधा घंटा है ना, तब जाके ये आप इस पर आएं, क्योंकि तब तक गला गर्म नहीं होगा कि आप एक एक करके सारे स्वरों को लंबा लगा सकें। तो ओम को, सा को, आकार को, इसको लगाकर आपका गला गर्म हो जाएगा, फिर जाके आप कहीं लंबे लंबे स्वरों का रियाज करेंगे। ये मैं भैरव धाट में बता रहा हूँ जिसमें कि ऋषभ और धैवत कोमल होता है, और जाहिर बात है कोमल है मतलब खरज में भी उतना ही कोमल है और तार में भी वही कोमल स्वर लगेंगे। ऐसा नहीं कि नीचे उतर गए तो धाट बदल जाएगा, वही धाट रहेगा। अब लंबा लंबा स्वर आपने देखा मैंने दो उतर लिए, ठीक है, एक एक नीचे उतरा एक ऊपर चढ़ा, है ना। ऐसा नहीं कि सानी रे धा ग, ये नहीं करना है, एक एक करके उतरना है। जैसे सा लंबा लिया, नी लंबा लिया, धा लंबा लिया, नी लंबा लिया, सा रे ग रे सा। आप देख रहे हैं मैं एक एक स्वर बढ़ाता जा रहा हूँ, ये अगर हमारा सा है तो ऐसे जा रहा है मामला। इसमें बिल्कुल भी खरज इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये नहीं कि ज़्यादा खरज कर रहा हूँ या ज़्यादा ऊपर जा रहा हूँ। एक एक करके स्वर नीचे खोलना, एक एक करके स्वर ऊपर खोलना, और ऐसे ही जाते जाते आप ऊपर भी जाओगे, लेकिन उतना ही जाओगे जितने की गले की लिमिट है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती चीखें और गला स्ट्रेन पड़ जाए गले में और वो नसें खिंच जाएँ और वो जो कॉर्ड्स हैं वो डैमेज हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। सानी ध प म ग म प ध नि सा, ये मैंने जल्दी जल्दी लगाया, ये आपको लंबे लंबे स्वरों में करना है। सानी ध प म ग म प ध नि सा रे ग म प ध नि सा, है ना। ये आपको लंबा लंबा जब आप चले जाओगे इतना, अब जाहिर बात है अगर आपका खरज में गंधार तक जाता है जैसा कि अभी मैंने गा के बताया, तो गंधार तक ही जाइए, उससे ज़्यादा नीचे ज़बरदस्ती गले पे वहाँ भी स्ट्रेन नहीं देना है, उतना जाके वापस ऊपर आते जाइए, है ना, और फिर वापस ऊपर जाइए। सारे गा, है ना, ये मैंने गंधार अभी छुआया, अब और भी ऊपर जा सकते हैं जितनी आपकी गले की रेंज है, लेकिन लंबे लंबे स्वरों में ही। लोग कहते हैं कि भाई ऊंचे स्वरों का रियाज सवेरे नहीं करना, वो इसीलिए कि गला जो है उतना रेडी नहीं होता है शुरू शुरू में, है ना, वार्म अप करना पड़ता है। जब तक गला गर्म ना हो जाए तब तक आप डायरेक्ट ऊंचे स्वरों को नहीं छुएंगे, है ना, इसीलिए मना किया जाता है कि ऊंचे स्वर डायरेक्ट नहीं लगाने जिससे कि वो स्ट्रेन पड़ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लगाने को बोला ही नहीं मैंने, मैं धीरे धीरे एक एक स्वर दर्जा दर दर्जा आप चढ़े हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़े हैं, तो इससे गला नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट आप ओंकार हो गया फिर सारे गा मा बा दा नी सा जाने दा बा मा गरे सा इस लय से शुरू की, ये मैंने बोला ही नहीं। मैंने कहा है एक एक स्वर लगाना है लंबा लंबा, तो उससे क्या है गला धीरे धीरे पक रहा है, गर्म हो रहा है, मजबूत बन रहा है। फिर आप अगर एक एक करके, और ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट ऊपर के सारे स्वर एक साथ लगा दी, नहीं, पहले सा छू के वापस आए धीरे धीरे, फिर ऋषभ छू के वापस आए धीरे धीरे, फिर गंधार यानी ग लगाया है, फिर धीरे धीरे नीचे आए, फिर माँ लगाया है, तो अपने आप ही गले में रेंज बन रही है। धीरे धीरे आप उसको पुश कर रहे हैं, थोड़ी खोल रहे हैं गले को, है ना, फिर आपकी धीरे धीरे रेंज बन जाएगी। उसके बाद जब एक बार ये हो गया, फिर आप एक अलंकार पूरा लेंगे जिसमें कि पूरा का पूरा जाएगा। जैसे पहले तो लंबा लंबा ले लिया, है ना, ये आपने ले लिया। उसके बाद आप एक 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 अलंकार बना लीजिए, सा नी ध प प ध नी सा सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा, है ना, ये मैं कर रहा हूँ। अब इसमें धीरे धीरे आप एक एक स्वर नीचे खोलिए, एक एक ऊपर खोलिए, ये आप सारे गमा के साथ कर सकते हैं। सारे गमा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, एक नीचे खोलिए, सा नि सारे गमा प ध नि सा सा रे सा नि ध प म ग रे सा, एक नीचे खोलिए, सा नि ध नि सारे गमा प ध नि सा सा रे ग रे सा नि ध प म ग रे सा,
Sani da ba ba da ni sa sa re ga ma ba da ni sa sa re ga ma ma ga re sa sa ni da ba ma ga re sa। फिर इसको धीरे धीरे गति इसकी बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो ये कुछ कुछ टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनसे आप ऊंचे गाने भी गा पाओगे, नीचे भी गा पाओगे, और ऊंचे आलाप जो लंबे लंबे हैं उनको भी ले पाओगे। गले में कैपेसिटी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि ऊंचे स्वर लगाना कोई बड़ी बात है, नहीं, उनमें टिकना बड़ी बात है, है ना। ऐसे तो लगा के छू के जो स्पर्श करके आना, ये तो ठीक है आप कर सकते हो, है ना। ये आप तब भी कर सकते हो जब वो स्वर आपकी रेंज में नहीं है। जैसे धैवत, अगर मैं कोमल धैवत लगाता हूँ तो छू के कैसे वापस आना है। Re na na ma pa ma ga ma re sa re na 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 re na re na re na re na pa da ma pa ma ga re sa। ये मैं धैवत छू के वापस आया हूं, लेकिन वहां पे टिकना वो लंबी बात है। सारे गामा बाधा ये वहाँ लंबा टेकना, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में वो रेंज आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ख्याल रखें और देखते रहें हमारे वीडियोस को, ऐसे ही कुछ ना कुछ टेक्निक्स मैं बताता रहूँगा। रियाज कीजिए और क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए कि नया कुछ उपज आ पाए, ठीक है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।